कैसी सोयाबीन की फसल हो रही तुम्हारी? अब तो झाऊ में ये कच्चा अमरूद देखा तूने मेरे को, अब वहाँ पे नींबू दे रहा है। और आते टाइम पता है मेरी गाड़ी होगी थी खराब, तो बाइक खराब होने की पत्तियाँ होती है ना वो चाय पे जाती हैं, और इससे जो खांसी होती है वो साले दांत दिखा रही तेरी, तो वो देखो भाई वहाँ हाथ में लेके गया, ये गया भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने खेतों से, और आज के मौसम की बात करता हूँ बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और अभी हमें योगी के खेत पे, तो योगी और डिग्गू से अमरूद तोड़ रहे हैं भाई। ये देखो इसने एक अमरूद तोड़ दिया, मज़े आ रहे हैं आज संडे, संडे का मतलब अमरूद खाने के मज़े। ये देखो बंदर का चढ़ावा पेड़ है भाई, किसका पेड़ है ये? एक अमरूद दूंगे हमारे को रीसा पूछ जा दो भाई, मेरे लिए अमरूद दिखा भाई, लगा हुआ है कच्चा है, अरे कद्दू कच्चा है भाई, पका हुआ अमरूद हो। तो इस वाले खेत पे ताऊ जी ने लहसुन लगाया हुआ है, और योगी बोल रहा है वो बेचने के लिए है, ठीक है मैं उसको खरीद लूँगा, तू मेरे को बेचेगा। तो यहाँ पे पूरा लहसुन लगाया हुआ है, और यहाँ से लेकर आगे तक पूरी राजमा हो रही है। ये वाली जो राजमा है ना ये मेरी पौधे वाली है, देखो छोटे छोटे पौधे हैं ना, इसमें पूरी राजमा लगने लग गई, ये छोटी छोटी। अक्सर राजमा आपने देखी होगी बेल वाली, पर ये पौधे वाली है, यहाँ से लेकर पूरी आगे तक। तेरा पेड़ कौन सा है? ये वाला, इसके पेड़ तो अमरूद ही नहीं रखे हैं, खत्म, इसको ख़त्म पेड़ दिया हुआ है। और ये पेड़ किसका है? योगी का पेड़, ये वाला है, इसमें अच्छे अमरूद रखे हैं भाई। ये देखो ये भी पका हुआ है, एक ये भी पका हुआ है, और ये भी हो जाएंगे। ये देखो एक यहाँ पे लगा हुआ है भाई, ये भी पका हुआ है भाई, बहुत अमरूद पके हुए हैं योगी के पेड़ में, बहुत सारे अमरूद पके हुए हैं। अच्छा ये बुबू का पेड़ है, तो पेड़ भी बांट दिए भाई, ये ताऊ जी का पेड़ है, इसमें कोई नहीं आता ताऊ जी के अलावा, क्या ये सच है? चल फिर। तो आजकल आप लोगों को पता है कि खेतों की फसल तैयार होने लगी है, तो सभी खेतों के काम पे लगे हुए। इस वाले खेत पे हो रही योगी की अदरक, इसमें पूरी अदरक लगाई हुई है वहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, और यहाँ से हम नीचे वाले खेत में जाएंगे तो इस वाले में हो रही है अरबी, तो यहाँ से आपको अरबी दिखेगी। ये देखो यहाँ से पूरा आगे तक, और इससे नीचे वाला खेत अपना है। तो गाँव में इस तरीके खेत बटे होते हैं, एक खेत एक भाई का, दूसरा खेत दूसरे भाई का, तीसरा खेत तीसरे भाई का, इस तरीके से बटे होते हैं, इकट्ठा किसी के नहीं होते हैं। और योगी से बड़ा कद्दू है भाई, ये देखो कद्दू उठा योगी, चल फोड़ना मत, उठा चल फोड़ना मत, बहुत बढ़िया, उठा उठा उठा, बस तेरी बस की ना है, ख़त्म आदमी है तो आजा। और ये अपनी सोयाबीन वाला खेत है, तो इसी मम्मी और पापा सोयाबीन निकाल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हो रखी है सोयाबीन, ये थोड़ी कच्ची कच्ची है, और ये पूरी तैयार हो गई है। जब ऐसे पूरा सूख जाता है ना तब जाके हम सोयाबीन की फसल निकालते हैं, तो यहाँ से निकालना स्टार्ट किया है, आके पूरे निकाल रहे हैं। और इससे नीचे वाले खेत में भट हो रहे हैं, भट बोले तो वो थोड़े काले होते हैं और सोयाबीन सफ़ेद होती है, वो जब निकालेंगे तो आपको दिखाऊंगा। और पहले आपको सोयाबीन दिखाते हैं कैसी है करके, ये देखो गाइस ये हो गए, ये सोयाबीन हो गई। और भट भी सेम ऐसे होते हैं पर उनका कलर काला होता है। और इस वाले खेत में मूली देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, सलाद वाली और सब्जी वाली है, ये हमेशा खेतों में घूमते रहता है, रखवाली करता है, रखवाली है ना। देख रहे हो गाइस पापा क्या बोल रहे हैं, 5 क्विंटल मूली पहुंचा दी हल्द्वानी, पता नहीं कब पहुंचाई पर पहुंचा दी। वहाँ पे मम्मी निकाल रहे हैं सोयाबीन इस तरीके से। कैसी सोयाबीन की फसल हो रही तुम्हारी? अब तो झाऊ में से दिख ठीक ही है, कैसी ऐसी हुई है मुझे, और क्या साथ में है अभी फल नहीं है। और पापा क्या कर रहे हैं, जो मम्मी काट रही है ना उसको अलग से रख रहे हैं इस तरीके से, क्या हो गई है? कम होती तो ना आते फल। अच्छा सोयाबीन ज़्यादा घनी होगी ना, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी कम सोयाबीन आती है, अगर दूर दूर होती ना तो ज़्यादा फल आते हैं, मम्मी का ये कहना है। और योगी ने मेरे को ऐसा अमरूद दिया भाई ना, दांत टूट रहे पर अमरूद नहीं खाया रहा, पर कच्चा है ये वाली जो फसल ना, बचाने के लिए क्या किया, बारिश हो रही थी छाता ओढ़ी, उसके बाद अभी चिड़िया भगा रखी है, मतलब इन दो खेतों पे ना हमारी सबसे अच्छी सोयाबीन हुई है, और इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई, क्योंकि बारिश होती थी और चिड़िया आगे खा जाती थी, इस बार सोयाबीन ज़्यादा किसी की नहीं हुई है, हमारी हो रखी है बस। इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हुई ना जिस वजह से कि सोयाबीन हुई नहीं, जो हुई थी उसको चिड़िया खा गए। हाँ। नींबू डाल रहे हैं मुंह पे, देखो छोटा अमरूद, ये कच्चा अमरूद रखा तूने मेरे को, अब वहाँ पे नींबू दे रहा है। 5-1 क्विंटल खाते खाते घास, खाली हाथ घर नहीं जाना भाई, कुछ लेके जाना है, कैमरामैन जूगी के साथ। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढू है, मेरे से भी बड़ा है, मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ, ये देखो। और वहाँ भी हुआ है वो, इधर दिखा के लाते हैं, आ जाओ, ये देखो गाइस ये भी हो रहा है, ये भी नहीं उठाया जाएगा, हिल भी नहीं रहा। ये अदरक और ये कमांडो आ गया हमारे साथ, मुझे खेत में आया था, यहाँ पर लकड़ी काटने लग गए, क्यों काट रहे हैं?
तो अभी हम लोग आगे जंगल पे, तो जानवर को हमने ऊपर छोड़ दिया है और मेरे पीछे आपको एक सूखा हुआ छोटा सा पौधा दिख रहा होगा। तो ये देखो भाई, मैं इसको काटने वाला हूँ, इसका हम लोग हत्ता बनाने वाले कसी के लिए, तो इसको मुझे काटना है। और अभी तो पता नहीं थे इतनी वीडियो बना दी ना इसने, इतनी वीडियो बना दी हद से भी ज़्यादा। जो कैमरे की बैटरी होगी वो होगी 16%। अगर इसकी वीडियो ना बिना एडिट के डाल मैं, सीधा एक घंटे का ब्लॉग बन जाएगा। पिछले एक घंटे से लगातार शूट कर रहा है, मैंने क्या क्या कर दिया इसने। चलो ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाएगा क्योंकि कैमरा ऑफ होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है अगला दिन और ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू हो रहा है, तो कल मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि शाम के टाइम में मैं हॉस्पिटल चले गया था। तो मजेड़ा का एक भाई है तो उसकी पता आँख पे लग गई थी पत्थर से, यहाँ पे भाई को हॉस्पिटल लेके गए थे और आते टाइम पता मेरी गाड़ी हो गई थी ख़राब, तो बाइक ख़राब होने की वजह से काफ़ी रात को हम लोग घर पहुँचे तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए और कैमरा मेरा कल घर पर ही था, तो इसीलिए कल और आज को मिला के एक ब्लॉग बनेगा। तो अभी अपना काम भी चालू हो गया, तो मैंने बिच्छू घास की पत्तियाँ यहाँ पे डाल दी धूप पे, तो कल भी ये सूखी थी और अब ये सूख रही हैं। तो कल तो इसको मैंने दोनों तिरपाल पे रखा हुआ था क्योंकि कल ज़्यादा कच्ची थी ना, और आज थोड़ी सूख गई हैं तो एक तिरपाल पे पूरी आ गई है। और भाई भी खेत के काम पे लगा हुआ है, आपको अभी दिख रहा होगा। तो ऊपर वाले खेतों से मम्मी और पापा सोयाबीन निकाल रहे हैं, मैंने आपको अभी तक दिखा दिया, तो वहाँ की सोयाबीन भाई यहाँ लेके आ रहा है, तो मंदिर के आंगन पे यहाँ पे सूखेंगे। और आज के मौसम की बात करें तो बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है और देखो पूरा आसमान वो क्लीन दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से मौसम हो रखा है पूरा क्लीन। बल यहाँ पे हल्की सी धुंध आई हुई है क्योंकि ये पहाड़ें पूरी क्लीन नहीं दिख रही है ना, अगर और क्लीन मौसम होता तो ये पूरा साफ़ दिखती। और यहाँ पे पापा जी ने छत पे डाले हुए हैं तिल सूखने के लिए, ये देखो भाई कुछ इस तरीके से होते हैं, तो ये काले काले आपको दिख रहे होंगे, तो ये यहाँ पे सूख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सूखने के डाली हुई तुलसी की पत्तियाँ, तो ये देखो आपको दिख रही होंगी पूरी तुलसी की पत्तियाँ सूख रही हैं, ये एक दिन में आधी तो सूख गई हैं। और यहाँ पे सूखी हैं दाड़िम की पत्तियाँ, तो मेरे को कमेंट आया था कि दाड़िम की पत्तियों क्यों सुखा रहे हो, उसका क्या बनता है करके। तो इसकी जो पत्तियाँ होती है ना वो चाय पे जाती हैं और इससे जो खांसी होती है वो दूर होती है। इसकी पत्तियों से ना बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, वो आपको आगे को पता चलेगा जब हम बनाएंगे तो इसके बेनिफिट बताएंगे। फिलहाल तो इसको हमें सुखाना है, अभी प्रॉपर तरीके से सूखा नहीं है, इतने सूख गई हैं। दिन के होने करीब 11 और मेरे को जाना है अपनी मेन रोड पे, तो अपनी गाड़ी को देखने आते हैं, क्या पता अभी काम कर जाए। कल चलती चलती गाड़ी अचानक बंद हो गई थी, तो मैंने शोरूम पे फ़ोन करके पता किया भैया से, तो उन्होंने बोला कि आसपास कोई शोरूम है वहाँ दिखा लो या कोई सर्विस सेंटर है वहाँ दिखा लो। अभी यहाँ तो वो सर्विस सेंटर है नहीं, रीटा साहिब में ही है, कोशिश करेंगे वहाँ ले जाने का। आज तो मुश्किल है, बाद में लेके जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। अगर सही हो गया तो ठीक है, और अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो बोल लेते हैं कि शोरूम में ले आना, हम लोग सही कर देंगे। और पता है दिक्कत क्या आई कि जैसे कल गाड़ी चल रही थी, चलती चलती गाड़ी अचानक बंद हो गई, मतलब उस समय क्या हुआ, गियर बिल्कुल फिक्स हो गए, पहले गियर पे गाड़ी अटक गई बिल्कुल, ना नीचे हो रही है ना ऊपर हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, दूसरे तीसरे गियर पे गाड़ी जा ही नहीं रही है। अगर गाड़ी को बंद करो ना तो आराम से पहला दूसरा तीसरा सारे गियर डल रहे हैं, उतर भी रहे हैं बंद गाड़ी में, और बाइक जब स्टार्ट हो रही है तो उसमें बिल्कुल गियर अटक जा रहे हैं, पहले गियर से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही है। अभी देखते हैं क्या हो गया, अगर ट्राई करते हैं, अगर चालू होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी लगाई हुई है, अभी देखना गाड़ी बंद है, जैसे ये किया मैंने, तो अगर मैं इसे क्लच दबा रहा ना, अभी अभी बिल्कुल गेट डलेंगे, ये उतर भी रहे, दूसरा तीसरा, इसकी दिक्कत ये आ रही है क्लच वाली जो तार है टूट गई पूरी, टूट क्या गया, अब जुड़ जाते हैं संजय करके, इसको अभी टसा जाना पड़ेगा, देखो यही दिक्कत हो रही है। अभी घर आके दिन का खाना कंप्लीट किया और खाना कंप्लीट करते ही खेतों में जाना है क्योंकि लंगूरों ने बहुत सारा आतंक मचा के रखा है, बहुत ज्यादा सुबह से इन खेतों में फसल हो रही है। अरे यहाँ आर्यन गुनियो, इन खाने आने गुनियो, देखो गाइस मेरे आधे लंगूर आ गए भाई, सोयाबीन निकाली हुई है वहाँ पे खाने लग गया भाई वो, ये देखो गाइस कितने लंगूर हैं, भगा 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 भगा, यहाँ पे बैठ कर खाते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे काले वाले भट्ट, इस वाले खेत में सोयाबीन थी वो कल निकाल दी, इस वाले में भट्ट हैं, तो यहीं पर बैठ कर खा रहा था भाई ये, वो नीचे चल गया, देखो नीचे कहाँ गया पत्थर, ये देखो आप इसके बताता हूँ मैं, ले पकड़ 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 पकड़, ये देखो यहाँ बैठ गया भाई, पकड़ बोला हिलेगा नहीं, साले दांत दिखा रही तेरी, तो वो देखो भाई वहाँ हाथ में लेके गया, वो ये गया भाई, देखो बड़ा आतंक है, सुबह से लंगूर आ रहे, सुबह से बिल्कुल पापा भाई सब लोग भगाने में ही हैं, वहाँ से बुबू लोग भगा रहे हैं, यहाँ से आमा लोग, नीचे से भाभी लोग, ऊपर से चाची लोग, सब भगाने में ही हैं। वो देखो एक वहाँ पर एक यहाँ पर भाई, पापा कितने हैं भाई, ये कमांडर वो भाई तबड़ा लंगूर, देखो कमांडर भाई थक गया बेचारा, सुबह से लंगूर भगा रहा कमांडर हमारा, वो देखो पकड़ कमांडर पकड़ 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 बेचारा अकेले कमांडर क्या करेगा, पकड़ 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 भाई साहब, पकड़ो पत्थर भगाओ, ले पकड़ पकड़ पकड़। इस तरीके से फसल हुई है पूरा तोड़ जा रहे हैं ये,
पूरा तोड़ के खा जा रहे हैं यहाँ से और साथ में ले भी जा रहे हैं। भाई खाना खा रहा था, आधे खाने का छोड़ के आएगा, अभी खाते खाते लंगूर आ गए, इतनी जल्दी में खाना खा रखा था ना। अब मैं आ गया हूँ इन वाले खेतों पे, तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा पंचायत घर की छत में, तो यहाँ से जो इन वाले खेतों पे फसल है ना, यहाँ पे लंगूर आएंगे उनको भगाऊंगा, और इधर से इधर को फसल है वहाँ भी भगाऊंगा मैं। वो नमस्कार, ठीक चा वो गुन है गुन आ रहा वहाँ। अरे अभी शाम के और एक करीब 5 और मैं रखा हूँ अपने जानवरों को लेने के लिए, तो ये भी जंगल से आ गए हैं, तो इनको घर लेके जाते हैं। और ये पहाड़ों में पूरी शाम होने वाली है, देखो यहाँ से धुंध फिर भी आपको दिख रही होगी, और एक कीड़े की आवाज़ बैकग्राउंड में कैसी आ रही है। तो गाइस अभी अभी शाम के खाने का टाइम, तो मम्मी का भी रोटी बना रही है और मम्मी ने सब्जी बना दी है, और पापा जी खाने लग गए, और ये रही अपनी सब्जी, ये दूध, बाकी मौसी का फ़ोन आ रखा है, तो मौसी से मम्मी बात कर रही है यहाँ पे खाना बनाते बनाते, तो मम्मी कितनी रोटियाँ बन गई है। ये आ गया खाना खाने के लिए, देखो ना देखो, इसने इतनी ज़्यादा मूँगफली खा रखी है, हंसी भी जा रहा, तो इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मौसी सही कर रहे हो, ये बात सही कर रहे हो तुम, इससे थोड़ी सी मूँगफली खा रहा है मैं। मौसी पूरी उनकी मजाक बना रही है, क्योंकि मौसी वीडियो में देख रही होगी ना इसको खाते हुए। कमांडर खाए जा, आज कमांडर ने बहुत सारा काम किया है, दिन भर लंगूर भगाए इसने, है ना कमांडर। चल मस्त करके खा दो भाई, अब क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।